दोस्तों जो लोग शहर में रहते हैं और गार्डनिंग करते हैं उनके लिए गोबर की शुद्ध खाद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं या फिर कहीं से ख़रीदते हैं तो कई बार वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। तो इस तरह से आप ये आप देख रहे हैं जो मैंने पानी में भिगो रखे हैं, ये हैं उपले। ये 24 से 30 घंटे तक मैंने इसमें भिगोए हैं और ये जो पानी है इसमें पूरा इनका एसेंस आ गया है। पूरा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, ये आपकी जो गोबर की खाद जो काम करती है वही आपका ये काम करेगी, उससे कहीं ज़्यादा ये काम करेगी। इसको आप बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं। 4-5 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो इन उपलों से आप लिक्विड और गोबर की खाद दोनों बना सकते हैं। मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद फिर मैंने उपले लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, कंपोस्ट की जगह मिट्टी भेज दी और एक बार मैं इसको वापस कर चुकी हूँ, वज़न में भी कम था और ये वो दे दिया। तो ये जो शुद्ध, फिर मैंने ये उपले की तरफ ही मैंने स्विच किया। ये डबल इसका फ़ायदा होगा। एक तो जितना पहले इसको हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया, सर्दियों की जो सब्जियाँ होती हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइज़र होगा और एकदम ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये गोबर से जो उपले बनते हैं तो उसका ये पानी है, इसको 24 घंटे से 30 घंटे तक आप भिगोए और उसके बाद इसको निकाल के इसमें आप जितना ये है उतना ही पानी मिलाइए और अपने पौधों में इसको मिला दीजिए। इसको जितना मैंने इसमें है, और जैसे थोड़े डेकोरेटिव जो पौधे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा डाइल्यूट आप इसको कर दीजिए। 10 लीटर में 1 लीटर मिलाइए और डाल दीजिए। लेकिन मैं फूलों वाले और फलों वाले पौधों में जो इसको डालूँगी और मैं उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र किस टाइम पर ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इसमें जितना ये है पानी उतना ही इसमें मैंने पानी मिलाया है और अपने पौधों में अब मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। इसका इतना अमेजिंग रिज़ल्ट मिलता है कि आप जो सोच नहीं सकते। और फिर ये जो उपले बचते हैं इनको आप अपने कंपोस्ट बिन में चूरा करके डाल दीजिए तो आपके लिए दूसरी गोबर की खाद भी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से इसके डबल फ़ायदे हो जाते हैं। तो ये देखिए मिर्च के पौधे जैसे हैं, अब इनमें फल बनने का टाइम आ गया है तो इनमें मुझे खाद की ज़रूरत थी, मैं अब इनमें इसको डाल दूँगी। तो ये जो फल लगने वाले सब्जियों के जो हमारे पौधे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र मिलता है। आपके पौधे एकदम लश ग्रीन हो जाएंगे अगर जब ये फर्टिलाइज़र आप डालोगे। आप जैसे बैंगन का पौधा है उसमें आप डालोगे तो उसके इतनी जल्दी उसमें फूल आएंगे और सारे फल भी जो है वो बहुत हेल्दी आएंगे। तो ये जिन लोगों के पास शहरों में जिन्हें गोबर की खाद नहीं मिलती उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये आसानी से मिल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है आपको इनको जैसे जो मटके वगैरह बेचते हैं या तो उनके पास मिल सकता है या फिर जो मंदिर वगैरह होते हैं शहरों में उनके पास में मिलता, क्योंकि इनको पूजा में भी यूज़ किया जाता है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इनमें डाल देती हूँ। इससे अच्छा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार ये यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको दूसरे किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छे ये मेरे पौधे बन जाएंगे। इससे करी पत्ता हो, जो बड़े जो हार्ड पौधे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र, सर्दियों के पौधों के लिए बहुत अच्छा है। आप जैसे सरसों पालक जो भी बोते हो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा वो रहेगा। ये परिजात का पौधा है, ये नर्सरी से मैंने ला के लगाया तो इसको भी खाद की ज़रूरत थी। तो इस तरह से आप अपने जो गोबर की खाद है उसकी कमी को इस फर्टिलाइज़र से पूरा कर सकते हैं। शहर के लोगों के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पर गोबर के खाद मिलनी बहुत मुश्किल है। तो उपले हर जगह मिल ही जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, बड़े शहरों में भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया किसी मंदिर के पास मिल सकते हैं क्योंकि वो पूजा में यूज़ होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और आप भी खाद की जगह अगर आप गोबर के उपले यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये ऑप्शन होगा। और इसमें एक ये भी डाउट नहीं रहता है कि ये आपका जो खाद है उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर वो ख़राब, मैंने जैसे कि अभी दिखाया ऑनलाइन वर्मी कंपोस्ट मंगवाया था सर्दियों के पौधे लगाने के लिए और उन्होंने मुझे उठा के
मिट्टी दे दी। और ये दोबारा है, पहली बार 6.5 किलो दिया था, दूसरी बार 8.5 किलो है। तो आप इसको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये है।